friends welcome to science first today we are going to start the chapter 2 is matter around us pure first chapter mein hum log already pad chuke hain ki physical state ke hisab se hum log matter ko three classes mein classify karte hain solid liquid aur gas but on the basis of their chemical composition matter is classified into two main types अब हम उनको केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे और वो हमने किया है दो मेन क्लासेस में दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। वी डिवाइड द इनटू टू क्लासेस। वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड आर मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड वेयर एज मिक्सचर्स दे आर डिवाइडेड अगेन इंटू टू ग्रुप्स दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हैट्रोजीनियस मिक्सचर नाउ रीड दैम वन बाय वन हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम लोग एक बहुत आसानी से प्योर वर्ड यूज करते हैं कि लाइक दिस दे है प्योर घी और विज अ प्योर सॉल्ट और दिस इज प्योर मिल्क राइट ये चीज़ें जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में प्योर सब्सटेंसेस के कैटेगरी में रख रहे हैं लेकिन साइंस इनको प्योर नहीं मानता ओके तो व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस तो हम डिफाइन करते हैं कि साइंस किन सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंस मानता है द सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स राइट विच आर कॉल्ड एटम्स आल्सो

ओके okay. वहीं पर हम लोग वाटर शुगर कॉमन सॉल्ट अब ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा जैसे हम लोग बात करते हैं वाटर की सो so वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन राइट कॉमन सॉल्ट की बात करें तो उसमें सोडियम और क्लोरीन सो वाटर में ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट सब्सटैंसेज लेकिन वो इस वाटर के अंदर एक कंबाइंड फॉर्म में है तो फिर हमने इसको प्योर क्यों बोला क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन के एटम कुछ और टाइप के होंगे ऑक्सीजन के कुछ और टाइप के होंगे बट दीज सब्सो कम अंडर दिन बिकॉज उनके बीच में दो हाइड्रोजन एटम्स एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइंड हैं, राइट सो दिस रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड मतलब वो भी हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा हमारे सब्सटैंसेज मिक्सअप हो बट उनकी रेशो हमेशा फिक्स रहे राइट सो दे आर आल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस और उनको स्पेसिफिकली हम लोग कहते हैं कंपाउंड राइट सो एक बार प्योर सब्सटेंस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं द प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ आइदर अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और द सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स और

अगर वो हमारे एक फिक्स रेशो में कम्बाइंड होते हैं देन दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पर अगर हमने किसी भी रेशो में उसको मिक्स किया है सो वी कॉल देम एज मिक्सचर्स सी द सी वाटर कंसिस्ट ऑफ मेनी सॉल्टुगेदर इन वाटर सॉइल एयर एक्सेट्रा दीज आर ऑल मिक्सचर्स राइट नाउ यू विल अंडरस्टैंड की वाई द मिल्क जिसको हम लोग प्योर भी कहते हैं बट एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस फैटर फॉर एग्जाम्पल यू मिक्स शुगर इन वॉटर और यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर नाउ वट डू यू सी सॉल्ट को पानी में मिक्स करते हम क्या देखेंगे हमारा सारा सॉल्ट पानी में अच्छे से मिक्स हो गया राइट right? और हम लोग अगर चाहें तो हमें सॉल्ट और वाटर अलग अलग नजर नहीं आ रहा राइट देर फोर इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर द मिक्सचर्स हैव गॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट पूरा हमारा जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मली बना हुआ है ओके मीन्स द कॉम्पोनेट्स ऑफ अ मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड राइट पूरी तरह से आपस में मिक्स हो चुके हैं ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल शुगर इन वाटर सॉल्ट इन वाटर एटसेट्रा दे आर ऑल मिक्सचर देन सेकेंड वी हैव द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स नाउ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट एंड सैंड और सैंड इन वाटर सो वट डू यू सी हेयर हेयर दिस मिक्सचर हैज गॉट अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए यू विल बी एबल टू सी द सैंड सेटल्स डाउन तो आप सैंड और वाटर को दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट की फॉर्म में देख पा रहे हैं सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जहां पर कॉम्पोनेंट ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट बाउंड्रीज सेट कर ली हैं तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नॉन एज हेट्रोजीनस मिक्सचर्स लेट्स हैव अ क्विक रिविजन metal is divided into two classes pure substances and mixtures pure substances are made up of single type of particles or they may be made up of two or more types of particles but in a fixed ratio all elements are pure substances because they consist of same type of particles all compounds are also pure substances because they consist of two or more type of particles but they are in fixed ratio mixtures consist of two or more types of substances in non fixed ratio means the ratio is not fixed right and mixtures they may be of two type homogeneous as well as heterogeneous on the basis of their composition now let's solve these two questions based on the following concept uh, first we have to classify some substances are given to you and you have to classify them into homogeneous or heterogeneous right so now here we have, first we have the soda water soda water is a homogeneous mixture right because it is a solution of carbon dioxide in water then wood wood is a heterogeneous mixture air air is a homogeneous mixture of many gases

because it is made up of water okay and water is a compound milk is a mixture iron is another pure substance because it is an element hydrochloric acid is a pure substance because it is a compound then we have calcium oxide calcium oxide is compound so again it is pure substance mercury is an element again it is pure substance then brick they are not pure substances right and we, wood is not a pure substance air air is also a mixture so we cannot uh, call it a pure substance